सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो गाइज, आजकल के समय में वन टैप जो है वो हर प्लेयर मार ही लेता है, वो चाहे नूब हो चाहे प्रो हो। बट गाइज, जो बंदा कुछ यूनिक करता है जस्ट लाइक पागल M10, जिस तरीके से वो क्राउच करके फ्री स्टाइल हेडशॉट मारता है, वो सबसे अनोखा और यूनिक दिखता है। उसकी वजह से पागल M10 का वन शॉट काफ़ी ओपी लेवल और नेक्स्ट लेवल दिखता है। और गाइज, आज की वीडियो में हम क्राउच फ्री स्टाइल हेडशॉट के ही बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। सो गाइस, सबसे पहले आपको जो है अपनी कस्टम स्टडी में थोड़ा सा चेंजेस करना है। आपको जो है अपना जो क्राउच का बटन है, मतलब बैठने का बटन है, उसको अपने फायर बटन के थोड़े नीचे साइड में और राइट साइड में खिसका देना है। वो चाहे आपका जहाँ पर भी हो, आपको उसको थोड़ा नीचे ला लेना है। अच्छा, हमको सिखा रही है। उसके बाद गाइस, आपको गन स्विच भी स्टार्ट कर देना है। मेरे हिसाब से बहुत सारे बंदे होंगे जो अभी तक गन स्विच का यूज नहीं करते होंगे। आपको ऐसा नहीं करना है गाइस, आपको गन स्विचिंग स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वन शॉट प्लेयर गन स्विच का यूज करते हैं। और आप गन स्विच बटन का यूज नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं गाइस, आप गन के साइड में जहाँ पर राइट साइड में थंब होता है उससे भी आप यूज कर सकते हो, बट उससे आपकी मूवमेंट जो है थोड़ी अटकेंगी। तो चलिए गाइस, सामने की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है गाइस, आपको आपके फायर बटन पे थोड़ा काम करना है। इस पर आपको क्या करना है, आपका जो भी साइज है उससे आपको थोड़ा कम कर लेना है, जस्ट लाइक मैंने कर दिया। इससे आपके क्या होंगे, इससे गाइज आपके जो एक्यूरेट हेडशॉट है वो ज़्यादा लगेंगे, क्योंकि फायर बटन का साइज कम होने से हेडशॉट जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कनेक्ट होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये सारी सेटिंग हो जाने के बाद गाइज, हम बात करते हैं कि अभी हम किस तरीके से क्राउच पॉइंट शॉट मार सकते हैं। आपको अपने ओवरऑल गेम प्ले में एक चीज ऐड करना है, वो है क्राउच। क्राउचिंग का आपको ज़्यादा यूज करना है। देखो गाइज, मैं क्या पे क्या कर रहा हूँ, वन शॉट मारने के पहले क्राउच कर रहा हूँ, मतलब बैठ रहा हूँ। ये थोड़ा हार्ड होता है, पहले में तो गोली भी ढंग से नहीं चलती, ओनली बॉडी कनेक्ट होता है। बट आपको क्या करना है, बैठना है, उसके बाद ड्रैग लेना है। आप देखोगे पहले तो बॉडी ही लगने वाला है, बट आपको समझना है। जिस तरीके से देखो, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है। आपको क्राउच कर वन शॉट मारने का प्रैक्टिस करते रहना है। आपको क्राउच करना है, उसके बाद वन शॉट मारो या फिर बॉडी शॉट मारो, जो भी मारो, आपको पहले सबसे पहले क्राउच करना है, उसके बाद में आपको हेडशॉट मारना है, उसके बाद में आप सिंपली से गन स्विच का यूज़ करोगे और रन करोगे। ये मूवमेंट आप लोग को ऐड कर लेना है। सबसे पहले बैठे, ओके, उसके बाद में स्ट्रेट ड्रैग लिया, मतलब फायर किया, उसके बाद में आपने गन स्विच किया और पटक से रन। ये चीज़ को आपको याद रख लेना है और इसी को आपको फॉलो करते रहना है। आप देखोगे कि इजीली ये करने के बाद में आपकी हल्की सी मूवमेंट जो है आपको दिखने लगेंगी। क्राउच, फायर, गन स्विच एंड रन, आपको यही कंटिन्यूसली करते रहना है। गैस, आप जो भी चीज़ को अच्छे से कंटिन्यूसली करते रहोगे वो चीज़ आपके हाथ में बैठ जाएंगी, उसके बाद में आप उसमें परफेक्ट हो सकते हो। ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर है जस्ट लाइक पागल M10 रेस्टार, ये ऐसे ही नहीं हो जाते गैस, इन काफ़ी ज़्यादा मेहनत इन लोगों ने किया है, तब जाके इनका गेम प्ले इतना नेक्स्ट लेवल तक पहुँचा है। और गैस, आप वीडियो को अभी तक देख रहे हैं इसका मतलब ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, जिस तरह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्राउच कर वन शॉट मारने का, उसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा इसका, इससे आपका भी वन शॉट कुछ इस टाइप से दिखेगा, जो देखने में काफ़ी ओपी लगता है। और जब आप ग्लू वॉल के साथ में इसका यूज़ करोगे तो ये तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल दिखने वाला है। आपको देखो, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यूसली। आपको क्राउच करना है, फायर करना है, गन स्विच एंड रन, इसी स्टेप को आप अगर कंटिन्यूसली वर्क करते रहोगे तो ये आपको अच्छी तरीके से जम जाएगा।